तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं भी आपके लिए एक आज ऐसा वीडियो ला के आया हूँ, ऐसा मज़ेदार। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जान लीजिए, आपने थंबनेल जैसा देखा होगा, जो दोस्तों मैं भी शौक हो गया। जब मैं सुबह उठा, अपने मोबाइल पर देखा नोटिफिकेशन फेसबुक की, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट गया फेसबुक के नोटिफिकेशन पर और वहाँ से जस्ट क्लिक किया तो देखा कि भाई मनोज भाई का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है मेरे फेसबुक अकाउंट पे। जैसे ही मैंने, मतलब एकदम एक्साइटेड था मैं, उसको कंफर्म किया उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट। और फिर मैं सोचा कि भाई इतना जल्दी मेरे पास कैसे आएगा रिक्वेस्ट। जाकर वहाँ से चेक किया मैंने, वहाँ से चेक करके नीचे स्क्रॉल करता गया तो देखा भाई एक दो मनोज भाई की फ़ोटो भी हैं, उन पर लाइक भी अच्छे खासे हैं। और फिर ऊपर पे बायो पे भी लिखा था कि यूट्यूबर एडिंग चालू है। पता नहीं इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मनोज भाई ने ये क्यों लिखा था, मतलब इसका एडिंग चालू है। मतलब मुझे लगा कि इसलिए उन्होंने सभी यूट्यूबर, मतलब जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, उनको रिक्वेस्ट सेंड किया है कि वो मेरे में ऐड हो सकें, मेरे से कुछ हेल्प ले सकें। तो मैंने भी वैसा ही किया। और मैं मुझे मतलब शक हो रहा था कि आईडी गलत है या मतलब उनकी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मैं जाकर वहाँ से उनके डायरेक्ट मैसेज किया, उनको हाय भेजा और अपने चैनल का लिंक भेजा उनको। वहाँ से उन्होंने सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने सोचा कि हाँ भाई मनोज भाई हो सकते हैं अपनी वीडियोज़ बनाने में बिजी हों, या फिर इतने बड़े वो मतलब हैं यूट्यूबर, तो छोटे छोटे यूट्यूबर को खैर मतलब रिप्लाई ना देते हों। तो मैंने फिर सोचा कि चलिए भाई रिप्लाई नहीं दिए कोई बात नहीं, ऐड हो गए हैं फ्रेंड लिस्ट में हम उनके, तो हम कुछ मतलब ग्रो करा ही लेंगे अपना चैनल। तो वहाँ से मुझे फिर एक नीचे स्क्रॉल करते करते एक चीज़ मिली कि देखा मैंने कि खुद मनोज देव भाई के द्वारा ही एक लिंक पोस्ट किया गया है। वहाँ से लिंक में उस पर लिखा हुआ था, मतलब उस चैनल का लिंक था। और मैंने जस्ट ना वहाँ से ओपन किया, मैंने सोचा भाई मनोज भाई का अपना चैनल होगा, थंबनेल भी अच्छा खासा था। वहाँ से जस्ट क्लिक किया तो टेक्निकल ऐसे कुछ करके समथिंग नाम था, दूसरा नाम था। तो मैंने देखा कि भाई मनोज भाई यार दूसरे का चैनल कहीं प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने वहाँ से जाकर मैसेज किया और बोला कि मतलब भाई आप कौन हो, मनोज भाई का आईडी है या किसी और का है, फेक आईडी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मनोज दे हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मनोज दे है। तो फिर मैंने वहाँ से क्वेश्चन किया कि आपने फिर मनोज दे के मतलब नाम से एक आईडी बनाई है, तो आपने दूसरे का लिंक क्यों पोस्ट किया, क्या आप प्रमोट कर रहे हैं उसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, देखिए मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ये फेक आईडी है। तो फिर मैंने वहाँ से किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी यूट्यूबर का नाम मतलब बदनाम कर रहे हो यार, ऐसे मत किया करो, किसी का पैसा मत फंसाया करो। तो इसीलिए मैंने वहाँ से उनको जाकर फिर अनफ्रेंड कर दिया, वहाँ से उनको अनफ्रेंड कर दिया। और फिर मैं फिर अपने काम में लग गया। और उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सचेत रहें आगे से। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पीछे बहुत सारी टेक वीडियोस और भी बहुत कुछ है।